MiG-21 पर अभिनंदन की ये तस्वीरें देखकर दुश्मन का दिल दहल उठा होगा। अभिनंदन का जोश और चेहरे की मुस्कान देखकर पड़ोसी मुल्क भी कांप गया होगा। ये वो लम्हे थे जब हिंदुस्तान का अभिनंदन फिर से आसमान में उड़ान भर रहा था। ये वो घड़ी थी जब MiG-21 की तहाड़ दुश्मन के खौफनाक इरादों को चीरती हुई अभिनंदन के हौसलों को सलाम कर रही थी। इसी दौरान अभिनंदन का लुक जरूर नया था, लेकिन जोश और जज्बा पहले जैसा ही। वो जोश, वो जज्बा जिसने पाकिस्तान के मंसूबों की धज्जियां उड़ा दी थी। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की आखिरकार 6 महीने बाद आसमान में वापसी हो ही गई। हिंद के जांबाज पायलट अभिनंदन ने पठानकोट एयरबेस से वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के साथ MiG-21 में उड़ान भरी। Two things in common. One is both of us ejected. Second, both of us have fought the Pakistanis. I fought in Kargil and he fought after Balakot. And the third is that I have flown with his father. I have flown with his father. We were together in Adampur in a MiG-21 squadron. He was in one squadron and I was in 101. And then we did the FIS together. We again flew together. And it is indeed an honor for me to do my last sortie in the Air Force in the fighter with his son. बालाकोट एयर स्ट्राइक में अपनी बेमिसाल बहादुरी से मशहूर हुए भारतीय विंग कमांडर देश के हीरो हैं। उनकी वीरता का अभिनंदन सरकार ने भी किया जब 15 अगस्त को उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। एक वो दिन था जब अभिनंदन के हौसले ने पाकिस्तान के मंसूबों को झुका दिया था, और एक आज का दिन है जब अभिनंदन के मजबूत इरादों ने हिंदुस्तान का सीना गर्व से भर दिया। एक वो दिन था जब पलकें बिछाकर पूरा देश अभिनंदन का इंतजार कर रहा था, और एक आज का दिन है जब पूरा देश अभिनंदन की उड़ान का इस्तकबाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।